Hi, I'm Chahat. Paheli. मैं second floor पर रहता हूँ. I mean मेरे मम्मी पापा. I live in Bangalore though. पता है. कैसे? Pictures. Facebook पे हमारी मम्मी friends हैं. अच्छा. तो कितना time हुआ यहाँ शिफ्ट? 5 महीने. तुम दिल्ली से ही हो? What do you do? अभी तो कुछ नहीं. तुम? एक आईटी कंपनी में डेवलपर. अच्छा. हाँ मतलब इट्स फाइन. ऐसी कोई मेजर दिक्कत भी नहीं होती. तुम्हें राइटिंग पसंद है? What do you write? Poems. About? Life in general. Do you post them somewhere? अपने पास छुपा के रखती हो? I tried writing a poem once, पर अच्छी नहीं थी. क्यों? सिर्फ rhyming words थे उसमें, no meaning. Do your poems rhyme? हमेशा नहीं, पर basic meaning convey हो जाता है. अब भाई वो तो पढ़ के पता चलेगा. Thank you. See you. काफी ज्यादा है यार. तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पूरा टाइम घर में नहीं रहना और वैसे भी कोई दोस्त है नहीं यहाँ पे. मतलब दोस्त है पर दिल्ली में कोई नहीं, सब बाहर शिफ्ट हो गए. तो राइटिंग तुम्हारी हॉबी है या करियर बनाना है इसमें? क्रिएटिव राइटर. गुड चॉइस. तो यहाँ दिल्ली शिफ्ट होके कैसा लगा? एडजस्ट हो रही हूँ. क्या बात है. हम्म? नहीं मैं तो सोच रहा था कि अब क्या बोलूं.
तुम तो कुछ बोलती हो नहीं। तुम ऐसे किसी से भी बात करना शुरू कर देते हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट आई लाइक टॉकिंग टू न्यू पीपल। और तुम तो पड़ोसी हो। दिख रहा है। एक मिनट, am I making you uncomfortable? मैं नीचे जा सकता हूँ if you want me to। नहीं नहीं मैं ऐसे ही कह रही। शोहो अपने बारे में कुछ बताओ। जैसे tell me something that no one ही मिले तो अच्छा है ना। कैसा? तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं जानता। I leave eventually. बैंगलोर में सब ऐसे ही बात करते हैं। Small personal talk. Look, मैं तुम्हें force नहीं करूंगा, पर अभी मेरे दिमाग में यही आ रहा है। पहले तो अच्छा जी, चलो ठीक है, सोचने दो। ओके ओके, मुझे दिल्ली में एक जॉब ऑफर मिला है, पर अभी मैंने घर पे किसी को बताया नहीं। क्यों? बता दूंगा तो फोर्स करेंगे वापस आने के लिए, फिर मैं आर्ग्यूमेंट जीत नहीं पाऊंगा। कोई दिक्कत है दिल्ली से? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है वापस आने का। अभी बैंगलोर शिफ्ट हुए 2 ही साल हुए हैं। And I like it there. अब तुम बैकआउट मत करना प्लीज। आई टोल्ड यू माइंड। सोचने तो दो। हाँ हाँ टेक योर टाइम। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने अपनी पहली पोएम लिखी थी। एक्साइटमेंट में मैंने उसे बिना स्टैमर किए रिसाइट किया था। तो तुमने किसी को बताया नहीं? पहले पढ़ाया फिर बताया, पर बात मजाक में निकल गई। क्यों? दे थॉट मैंने 4 लाइन बिना रुके कैसे पढ़ ली। तो फिर से ट्राई नहीं किया? खुशी 4 लाइन लिखने की थी, पर बिना स्टैमर किए बोलना भी अचीवमेंट था। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि पोयम कितनी बुरी होगी कि किसी ने बिलीव ही नहीं किया। सॉरी सॉरी ठीक है, आई वाज जोकिंग। क्या थी फिर वो पोयम? याद नहीं। झूठी। दिस वाज फन। या राइट, नीचे चले। कल के कोई प्लान्स है तुम्हारे? नहीं, क्यों? बाहर चले। वेले हो ना तुम? कंफर्टेबल तो हो रही हो तुम? बिफोर टाइम ऑलवेज। चलें और वेट करना है। साफ सफाई करा लिया करो। Thank you.
हाँ ब्रो, कैसा है? बस बढ़िया, हो गया कंफर्म? सही है, हाँ कल है फिर। चल ठीक है, मिलते हैं। निकल रहे हो? हाँ 10 बजे। बढ़िया है, चलना है? रहना है? मैं तो नीचे जाने की बात कर रहा था। टूट जाएगा ये। तुम्हारी फ्लाइट डिलेड, तब तक तुम वेले हो। कैसी सी हो यार तुम? पहेली जैसी। अच्छा राइटर, सही है। अरे आई थॉट तुम उठ गई होगी, इसलिए कॉल किया था मैंने। सुना नहीं था मैंने, मुझे लगा तुम निकल गए। वो मम्मी पापा घूमने गए ना, तो उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। बैंगलोर का मौसम कैसा है? सुहाना। तुम आई हो कभी? नहीं। वापस कब आओगे? अभी तो पता नहीं। ये तुम्हारे लिए। क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं होता। चार लाइनें लिखती रहना और जो सबसे कम खराब वाली हो ना, वो मुझे नहीं मत बताना। मेरी कैब आ गई। नहीं जल्दी चलना है? दिल्ली वाली जॉब के बारे में बता दूं आंटी को? ये देखा है,
See you. Bye. मैंने कभी तुम्हें अपनी पोएम्स नहीं पढ़ाई ना. राइटर तो तुम अच्छी हो. ले जाऊं मैं पूरी पढ़ लूंगा. तुम नई वाली में लिख लेना. हाँ तुम तो स्पेशल हो. मेहनत से लिखी है मैंने. पढ़ना है तो रुक जाओ. मेरा वैसे भी खत्म करो आखिरी लाइन. निकलना भी है मुझे. कोई दोस्त नहीं है यार. मालूम है.